बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 11.7, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, यूनिट 11, साउंड, पेज नंबर 45। टॉपिक नंबर 11.7, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है? ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज का मतलब क्या है? नॉर्मल इंसान जो फ्रिक्वेंसी यानी हेयरिंग के लिए जो फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, वो इंसान कौन सी फ्रिक्वेंसी के दरमियान इंसान सुन सकता है, कौन सी फ्रिक्वेंसी इंसान सुन नहीं सकता। अगर इंसान जो सुन सकता है उस फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, उससे लोअर फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, उससे अपर फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, तो वो आज हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते हैं। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था इकोस्टिक्स। इकोस्टिक्स क्या है? इकोस्टिक्स हमने डिस्कस की थी। इकोस्टिक इज द स्टडी ऑफ वेव वाइब्रेशन एंड साउंड। वेव वाइब्रेशन और साउंड की स्टडी को हम इकोस्टिक कहते हैं। इन एक एम्प्टी रूम ले ली, ठीक है, जब उसमें फर्नीचर वगैरह नहीं होते तो वहाँ पर ये साउंड जो होता है, ठीक है, तो साउंड इजीली रिफ्लेक्ट होता है यानी ईगो प्रोड्यूस होती है। जब हम वहाँ पर फर्नीचर वगैरह रख देते हैं तो इसमें इस तरह कौन सी प्रॉपर्टीज होती है कि वहाँ पर फिर ये रिफ्लेक्शन नहीं होती, ईगो प्रोड्यूस नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने ये फोर सर्फेस पढ़ ली, ठीक है, कि हमारे साथ ये फोर सर्फेस है। एक है प्लेट जो कि कम्प्लीटली साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, एक है पैराबोलिक जो कि साउंड को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं, एक पोरस सरफेस जो कि जिसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्व करवा देते हैं, ठीक है। और एक है जग सरफेस। जग सरफेस का मतलब क्या है कि ये साउंड को क्या करता है, डिस्पर्स करता है, ठीक है, यानी बिल्कुल उसी पॉइंट यानी उसी बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे ये इसे रिफ्लेक्ट नहीं करता साउंड वेव उसको, बल्कि किसी और डायरेक्शन में उसे डिस्प्लेस करता है यानी डिस्पर्स करता है, ठीक है, किसी और डायरेक्शन में वो दोबारा वापस चल जाता है, ठीक है। बिल्कुल रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट तो होता है लेकिन उसी डायरेक्शन में नहीं होता जिस डायरेक्शन में वो आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर ये एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये हमारे साथ रफ सरफेस है। ये क्या है? रफ सरफेस है, ब्लेड सरफेस नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ लिया था इकोस्टिक्स प्रोटेक्शन। इकोस्टिक प्रोटेक्शन जो होता वो क्या था कि हमारे साथ इसके हमारे डेली लाइफ पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, हमारे हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है, हमारे फिजिकल हेल्थ पर, साइकोलॉजिकल हेल्थ पर। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इंसान को जो डायरेक्ट इमीडिएट केस में जो डैमेज कर सकता है, ठीक है, तो वो कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज है यानी और सॉरी वो कौन सी इंटेंसिटी लेवल है, वो है 120 डीसीबल, ठीक है। और ये जो जेट इंजन है वो 140 डीसीबल हमारे साथ फ्रीक्वेंसी यानी साउंड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बंदा है ये इसने जो हेडफोन पहने हुए हैं ये इसी वजह से पहने हुए ताकि इसे अपने आप को प्रोटेक्ट करे, किस चीज़ से? इसकी इंटेंसिटी लेवल से यानी इस जेट इंजन की इंटेंसिटी लेवल से, ठीक है। अब 85 डीसीबल तक तो इंसान जो तो साउंड को तो नुकसान तो इंसान को पहुंचाता है लेकिन स्लोली स्लोली यानी एक ईयर में या 2 ईयर में या 3 ईयर में इसी तरह, या 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में इसी तरह स्मॉल अमाउंट यानी उस खास टाइम के बाद ये इंसान के कान वगैरह यानी इंसान की हेयरिंग सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। और जब साउंड इंटेंसिटी लेवल 120 डीसीबल डायरेक्ट आ जाए इंसान के ऊपर तो इसको डायरेक्ट डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसी तरह ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान इसके शिकार नहीं है बल्कि प्लांट्स और एनिमल पर भी इसका असर पड़ता है, ठीक है। इस इंसान नर्वस सिस्टम जो है वो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये दोनों एनिमल के नॉइस पॉल्यूशन की वजह से खराब हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट की भी हमारे साथ बहुत सारे ग्रोथ रेट क्या होता है वो हमारे साथ इससे डिफेक्ट होता है, ठीक है, इससे असरअंदाज होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिकमेंड किया है कि हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ जो साउंड लिमिट हो वो 35 डीसीबल हो तो हमारे साथ सारे सारे एक चीज़ सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। अगर इससे अगर बढ़ गया, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन तो फिर हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है, हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, इससे पहले हमने इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लिया कि इंटेंसिटी जो है नॉर्मल इंसान सुन सकता है, ठीक है, तो वो है 10^-2 -12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक इंसान सुन सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ इंसान नहीं सुन सकता, अगर सुन सकते तो फिर इंसान को डैमेज कर सकते हैं। अब वो तो इंटेंसिटी की बात हमने की, अब हम बात करें फ्रिक्वेंसी की, ठीक है, किस चीज़ की फ्रिक्वेंसी की, कि फ्रिक्वेंसी
इंसान जो सुन सकती है वो कौन सी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तो पास्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, यानी हमारे साथ एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करे, ठीक है, यानी सॉरी 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करे, या 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है कि 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का मतलब है 1 साइकिल पर सेकंड, एक साइकिल कंप्लीट करे 1 सेकंड में 1 हर्ट्ज का। अगर 20 हर्ट्ज है तो 20 हर्ट्ज का मतलब है कि 20 साइकिल कंप्लीट करे 1 सेकंड में, ठीक है। तो इंसान जो फ्रिक्वेंसी सुन सकती है, ठीक है, बोथ अपर एंड लोअर लेयर साउंड फ्रिक्वेंसी दैट कैन ह्यूमन हेयर, ठीक है, इंसान जो फ्रिक्वेंसी सुन सकती है वो अपर लिमिट भी है और लोअर लिमिट भी है, ठीक है। जो नॉर्मल इंसान सुन सकते हैं उसका जो लास्ट रेंज जो है वो क्या है, वो है 20 हर्ट्ज से लेकर, 20 हर्ट्ज जो है वो हमारे साथ लोअर रेंज है, और अपर रेंज क्या है 20 किलो हर्ट्ज, यानी 2000 हर्ट्ज, सॉरी 20,000 हर्ट्स। इंसान जो फ्रिक्वेंसी सुन सकती है इसके दरमियान फ्रिक्वेंसी सुन सकती है, अगर इससे ग्रेटर है तो भी नहीं सुन सकता, अगर इससे कम है ठीक है तो भी नहीं सुन सकता है। अपर लिमिट डिक्रीज विद द एज, अपर लिमिट क्या हो रहा है, एज के साथ साथ डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, यानी एज जब ज़्यादा हो जाए तो बास टाइम लोग सुन नहीं सकती, क्यों, क्योंकि अपर एज की वजह से, ठीक है, अपर लिमिट जो है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल जो इंसान है वो फ्रिक्वेंसी सुन सकता है, कौन से फ्रिक्वेंसी सुनता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी वो सुन सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह फिजिक्स ने जो है वो क्लासिफाई किया है इसको 3 बेसिस में, ठीक है, यानी इस साउंड को 3 बेसिस में डिवाइड किया गया है। कौन से बेसिस है वो, फर्स्ट नंबर जो है वो है इंफ्रासोनिक, ठीक है, यानी यहाँ पर इस ग्राफ की तरफ देख ली, ठीक है, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी जब ऊपर की तरफ जा रही है और ये 0 पॉइंट है, और ये क्या है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है, ये अल्ट्रासोनिक है, ये इंफ्रासोनिक है। अब अल्ट्रासोनिक क्या है, इंफ्रासोनिक क्या है, उसके तरफ तो हम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी जो कि इंसान सुन सकते हैं उसको हम कहते हैं ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। अब ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज से कम हो, यानी 20 हर्ट्ज से कम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक फ्रिक्वेंसी रेंज। और जो 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर है, 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक रेंज, इसको हम क्या कहते हैं अल्ट्रासोनिक रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो इंसान की जब हम बात करें कि यहाँ पर ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है, अल्ट्रासोनिक इंसान नहीं सुन सकता या इंफ्रासोनिक इंसान नहीं सुन सकता, इसी तरह सिर्फ इंसान की बात हम नहीं करें, इसी तरह और भी इस तरह के जानवर हैं हमारे साथ जो कि वो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज के अलावा जो है वो अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक वो भी सुन सकता है, ठीक है। अब इसमें क्यों कौन से वाले हैं, तो ठीक है डिफरेंट एनिमल है हमारे साथ, ठीक है, एक इसमें आप डॉग ले ले, ठीक है, वो जब वेसल कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे अपने बच्चे को या कोई और अपने डॉग वगैरह को, ठीक है, उसको जब वो वेसल कर रहे हैं तो उस टाइम उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, ठीक है, वो हमारे साथ क्या होता है कि वो जो वेसल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज से क्या होता है, वो ग्रेटर होता है, क्या होता है कि ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज से ग्रेटर होता है। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कौन सा है, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से उसके जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो क्या है, वो ग्रेटर होता है, ठीक है, और इंसान उसे सुन नहीं सकता। हम इसे इमेजिन नहीं, हम उसे देख सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ कह रहा है लेकिन हम उसे सुन नहीं सकता, वो कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकता सकते। क्यों हम उसे नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो क्या है, वो 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर है, ठीक है, वाइल इट इज़ आउटसाइड द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन। वहाँ हम क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे फ्रिक्वेंसी से क्या है, हमारे ऑडिबल रेंज से क्या है, वो ग्रेटर है, ठीक है। अब ये क्या है, ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमारे साथ टॉप एंड ऑफ ए डॉग हियरिंग, अब डॉग कितना फ्रिक्वेंसी रेंज तक वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते, यानी साउंड सुन सकता है, जिस तरह इंसान 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है, तो उसी तरह जो डॉग हमारे साथ है वो 45 किलो हर्ट्ज तक ये साउंड सुन सकता है। अब कैट ले ले, तो कैट क्या करे, वो 45 किलो हर्ट्ज तक वो सुन सकता है सकती है, ठीक है। तो याद रखिए कि इंसान इंसान की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज का मतलब क्या है कि ये 20 किलो हर्ट्ज से इंसान ज्यादा नहीं सुन सकता। अब एनिमल डॉग ले ली, ये
बैट ले ली, ठीक है, चमगादड़ जिसे हम कहते हैं, या कैट ले ली, ठीक है, तो इसके जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये फिर कौन से रेंज में आएगा? ये आएगा फिर अल्ट्रासोनिक रेंज में। कौन से रेंज में आएगा? अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी रेंज में, ठीक है। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि अल्ट्रासोनिक क्या है, अल्ट्रासाउंड क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो है हमारे साथ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वो फ्रिक्वेंसी रेंज होते हैं जो कि नॉर्मल इंसान सुन नहीं सकता, जो कि 20 हर्ट्ज से कम है, जो कि जिसके फ्रिक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट्ज से कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड, ठीक है। व्हेल ले ली, एलिफेंट ले ली, गेंडा ले ली, ठीक है, ये हमारे साथ जो कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करें, दूर डिस्टेंस की कम्युनिकेशन के लिए कौन से वेव यूज़ करें, कौन से फ्रिक्वेंसी वाले साउंड यूज़ करें, वो हमारे साथ प्रोड्यूस करें अल्ट्रासाउंड। कौन से साउंड? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमारे साथ प्रोड्यूस करें, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जो एलिफेंट के लिए है या व्हेल के लिए है, ठीक है, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा लाउड होता है, यानी उसके लिए लाउड होता है, हम सुन नहीं सकते लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा लाउड होता है, यानी उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? 117 डेसिबल। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 117 डेसिबल। और ये बहुत, यानी मैनी किलोमीटर्स तक ये क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिनिमम पॉसिबल रेंज दिया गया है बुक में एलिफेंट के लिए वो है 10 किलोमीटर, यानी एलिफेंट जो है वो 10 किलोमीटर तक अपना कम्युनिकेशन कर सकता है, किस चीज़ के साथ? दूसरे एलिफेंट के साथ, ठीक है। इसी तरह व्हेल ले ली, ठीक है, तो वो हमारे साथ 100 या 1000 किलोमीटर तक वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन सी वेव्स के जरिए कर सकते हैं? ये हमारे साथ अल्ट्रासाउंड वेव्स के जरिए। किस कौन सी साउंड वेव्स के जरिए? अल्ट्रासाउंड वेव्स की जरिए, अल्ट्रासाउंड की वजह से, ठीक है। अब ये अल्ट्रासाउंड हम इंसान, यानी अल्ट्रासाउंड कहाँ पर जनरेट हो सकते हैं, ये तो हमने एनिमल की बात की, अब ये कहाँ पर जनरेट होते हैं? जहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, या जो डीजल इंजन है मशीनरी वो भी हमारे साथ अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वेंट टर्बाइन हमारे साथ अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इसी तरह से ये चीज़ नहीं, इंसान भी ये अल्ट्रासाउंड साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे सिंगर्स हैं कि जो वो अल्ट्रासाउंड साउंड प्रोड्यूस करें। अब इस तरह की स्पीकर भी हमने डिज़ाइन किए हैं कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करे, ठीक है। उसमें हमने क्या लगाया है? उसमें हमने डिफरेंट टाइप के वूफर्स लगाए, हेड सब ऊपर लगाए, ताकि वो साउंड को रोटेट करके, रोटेट करे और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या करे, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज से कम कर सके, ठीक है। तो ये था हमारे साथ अल्ट्रासोनिक। अब नेक्स्ट जो था हमारे साथ है वो है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड क्या है? जिस तरह हम डेली लाइफ में कहते हैं ना कि अल्ट्रासाउंड किया, इस प्ला बंदे ने अल्ट्रासाउंड किया, वो उसमें ये डिफेक्ट पाया गया, ठीक है, या उसके स्किडनी में स्टोन है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के जरिए? ये अल्ट्रासाउंड के जरिए, यानी ये साउंड फ्रिक्वेंसी की वजह से, साउंड फ्रिक्वेंसी वेव्स की वजह से, याद रखिए इस चीज़ की वजह से, साउंड फ्रिक्वेंसी वेव्स की वजह से, तरफ मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्या है? वो फ्रिक्वेंसी जो कि हमारे साथ 20 हर्ट्ज से ग्रेट हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब ये फ्रिक्वेंसी कौन सी चीज़ों में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चमगादड़ ले ले, बैट ले ले, ठीक है, और इस बैट क्या कर रहे हैं? इंसेक्ट को पकड़ने के लिए क्या प्रोड्यूस कर रहे? ये अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या कर रहे होते हैं कि ये जाके उस इंसेक्ट के साथ स्ट्राइक होते हैं, और फिर टाइम को ये मेयर करवा देता है, यानी डिस्टेंस को मेयर करवा देता है, और इसी तरह इसको कैप्चर कर देते हैं, यानी इस जो भी हमारे साथ इसके शिकार वगैरह हो वो इसे कैप्चर करते हैं। अब याद रखिए कि यहाँ पर तो अल्लाह ताला की अजीब से कमाल है, जिस पे कुदरत है, ठीक है, कि ये बेट तो हमारे साथ अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करे, लेकिन इस इंसेक्ट वगैरह में भी इसी तरह के सिस्टम प्रोड्यूस है कि यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड वेव इसके ऊपर आ जाए तो ये इस साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को उस पॉइंट से दूर करवा देते हैं, यानी अपने आप को शिकार से बचा देते हैं, ठीक है। किस चीज़ के शिकार से? बैट के शिकार से या कोई और चीज़ के शिकार से, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा कुदरत है इस चीज़ों में, ठीक है। अब ये जो हमारे साथ फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ ये बैट वगैरह, तो ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है? बैट जो है वो फ्रिक्वेंसी, कौन सी फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं? 100 किलो हर्ट्ज से लेकर 200 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। कौन सी फ्रिक्वेंसी को? 100 किलो हर्ट्ज से लेकर 200 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है।
फिर इसके बाद जो डॉल्फिन है, वेल्स वगैरह है, ये भी हमारे साथ अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं अपने नेविगेशन सिस्टम के लिए, ये भी अपने शिकार के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली यूज़ करते हैं अपने नेविगेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, अब हम डेली लाइफ में इसे किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स? ठीक है, तो ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग, हमने देखा है कि बहुत सारे जगहों पर जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इस तरह होता है कि ये डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्यों? क्योंकि इंसान की बॉडी से कंटिन्यूसली ये वेव्स एमिट हो रहे। कौन सी वेव? अल्ट्रासोनिक वेव्स कंटिन्यूसली एमिट हो रहे। ठीक है, अब ये वेव जब वहाँ पर उस डोर पर पड़ते हैं, ठीक है, उस डोर में हमने इस तरह सेंसर लगाए कि वो डिटेक्ट करे किस चीज़ को, अल्ट्रासोनिक वेव्स को वो डिटेक्ट करे। ठीक है, कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट करे। ठीक है, इस तरह के सेंसर हमने लगाए, ठीक है, कि जब इंसान इसके करीब चले जाए तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर सके और वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। ठीक है, इसी तरह हम ऐसे चोर को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाज़ मुकामात पर हमने देखा है, ठीक है, जब रात के टाइम पर मोस्टली जब कोई बंदा घर में आ जाता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो अलार्म किस तरह बजना शुरू हो जाता है? क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स इंसान के जिस्म से निकलती है और ये वेव्स जब वहाँ सेंसर पर पड़ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ अलार्म के साथ अटैच और अलार्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चोर की पकड़ने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है, इस तरह नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है कि एक जगह पर हम पहुंच नहीं पाते, ठीक है, और वहाँ पर हम मटेरियल को सेट करना चाहते हैं, वो मटेरियल या बहुत ज़्यादा थिक हो, ठीक है, इसका जो थिकनेस हो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, अगर हम हाथ वगैरह से इसको टिक करना चाहे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, मुश्किल होगा या हम उसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हम किस चीज़ के जरिए कर सकते हैं? ये हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए करते हैं। ठीक है, जो थर्ड नंबर है वो है सोनार। सोनार क्या है? ठीक है, सोनार हमारे साथ डेली लाइफ में यूज होते हैं, सॉरी कॉमनली यूज होते हैं। किस चीज़ में? ये समंदर वगैरह में यूज़ होते हैं नेविगेशन के लिए। ठीक है, यानी जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि सोनार सोनार क्या है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करे किस चीज़ में? अंडर वाटर में। किस चीज़ में? फाइंडिंग रेंज फाइंडिंग के लिए, रेंज फाइंडिंग की, यानी ये पानी कितना गहरा है। ठीक है, तो इसके ये किस चीज़ के जरिए? हम सोनार के जरिए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सोनार में क्या है? सोनार में हमने ये चीज़ सोनार में क्या लगाया जाता है? ठीक है, सोनार अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वेव पल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक वेव पल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और वो वेव पल्स जो है वो नीचे तह तक चले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं रिसीवर तक। कहाँ तक? रिसीवर तक, जहाँ से ये ट्रांसमिट हो गया था, बिल्कुल उस पॉइंट पर ये डिटेक्ट होगा। किस चीज़ के जरिए? रिसीवर के जरिए। ठीक है, जब रिसीवर ये रिसीव करे तो उस रिसीव के जरिए, यानी इको के लिए हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, उस इक्वेशन के जरिए वो डिस्टेंस को भी फाइंड कर सकता है, क्योंकि टाइम तो हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, टाइम मौजूद है और स्पीड भी हमारे साथ मौजूद है कि हमारे साथ इसका जो स्पीड है वो स्पीड क्या है, तो हम इजीली ये डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द डिस्टेंस। किस चीज़ के लिए? ये सोनार हम डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, यानी समंदर में गहराई क्या है, कितना है, या हमारे साथ अब दोस्त जहाज जो आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे साथ कितने डिस्टेंस पे हमारे साथ आ रहे हैं। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम के लिए तो ये कौन से सिस्टम यूज़ करे? सोनार हमारे साथ यूज़ करे। ठीक है, थर्ड नंबर जो है वो सॉरी फोर्थ नंबर जो है वो है अल्ट्रासोनिक क्लीनर। अल्ट्रासोनिक क्लीनर किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? ज्वेलरी के लिए हमारे साथ अल्ट्रासोनिक क्लीनर यूज़ होता है। ठीक है, अब ये हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसी तरह के बाद टाइम इसी तरह की शेप होते हैं, और शेप यानी अजीब गरीब शेप होते हैं कि वो जब इंसान हाथ से साफ करना चाहे तो ज्वेलरी तो बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ है, वो फिर हमारे साथ खराब हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम इसे क्या कर देते हैं, इस ज्वेलरी को हम जहाज इसके लिए फ्लूड लिक्विड इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसमें हम ये डालते हैं और वहाँ पर उस फ्लूड पर हम क्या कर देते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ देते हैं। जब हम वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 40 किलो हर्ट्स फ्रिक्वेंसी होगी। जब हम उसे छोड़ लेते हैं
तो वो उस फ्लूइड के अंदर उसे शेक कर देते हैं। किस चीज़ को? उस जूले को शेक कर देते हैं, यानी वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उस शेकिंग की वजह से उसके जिस जिस पार्ट में भी गंदगी हो या जो भी डस्ट वगैरह हो, वो इजीली हम क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह के बहुत ज़्यादा डस्ट हो या इस तरह के पॉइंट हो कि वहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, तो ये अल्ट्रासोनिक क्लीनर के ज़रिए हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो मेडिकल एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी है, याद रखिए कि ना ऑडिबल फ्रिक्वेंसी के लिए है ना इंफ्रासोनिक के लिए है, ठीक है। ये है सिर्फ अल्ट्रासोनिक के लिए। अल्ट्रासोनिक जब हम इंसान देखते हैं ना, कि जब हम जब भी इंसान के जिस्म में कुछ मसला हो या किडनी में स्टोन वगैरह हो, तो ये किस चीज़ के जरिए देखते हैं? अल्ट्रासाउंड के जरिए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड क्या है? ये भी हमारे साथ अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करे, यानी वो फ्रिक्वेंसी जिसके फ्रिक्वेंसी 20 kHz से ग्रेटर हो, ठीक है। अब इंसान के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम इजीली देख सकते हैं, वहाँ पर जो मसला हो हम इजीली उसको ठीक कर सकते हैं, यानी हम उसी इसके ज़रिए ऑपरेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है, बगैर कोई एंजरी की या कोई कट वगैरह की, ठीक है। या किडनी में हमारे साथ क्या हो, स्टोन वगैरह हो, तो फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, शॉक वेव लेसोट्रॉफीज, ठीक है, शॉर्ट वेव लेसोट्रॉफी, इसको हम इजीली क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये स्टोन मौजूद है, स्टोन पर अल्ट्रासाउंड वेव आ रहे हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव इस स्टोन को कंटिन्यूसली हिट कर रहे, इसके हीटिंग की वजह से इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने 100 to 300 पल्स आप सोन, यहाँ पर कितने पल्स आ रहे हैं, 100 to 300 पल्स आ रहे हैं, और हर एक पल्स के साथ क्या होता है, 23 जोल एनर्जी होती है। इस 23 जोल एनर्जी के साथ ये यहाँ पर ये स्टोन होता है, ये हमारे साथ कट दिया जाता है, यानी इसको ब्रो इसको हमारे साथ क्या किया जाता है, स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और इसको स्मॉल स्मॉल पीसेज में जब कन्वर्ट हो जाए, तो ये इजिली हमारे साथ एलिमिनेट होती है, ठीक है। तो ये था हमारे साथ अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन, ये था हमारे साथ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। हम इसे किस तरह नोट्स में याद कर सकते हैं, ठीक है, तो नोट्स में है द साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव हैज स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी रेंज, दे आर बोथ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसीज। साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है। इसके लिए खास फ्रिक्वेंसी होगी, इसमें अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट भी है। पर ह्यूमन हेयर इंसान की सुनने के लिए है, हेल्दी यंग पर्सन कैन हेयर फ्रिक्वेंसी इन रेंज ऑफ 20 Hz to 20 2000। हर इंसान जो नॉर्मल रेंज की फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं वो कौन सी है, वो 20 Hz से लेकर 20 kHz तक है। साउंड हुज फ्रिक्वेंसी इज लेस देन 20 Hz इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव, एंड द साउंड वेव विच फ्रिक्वेंसी इज मोर देन 20 kHz इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव। वो फ्रिक्वेंसी जिस के जो कि 20 Hz से कम है उसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं, वो फ्रिक्वेंसी जो कि 20 kHz से ग्रेटर है उसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। वाइल साउंड वेव वेव्स हैव फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रॉम 20 Hz टू 2000 Hz इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, और वो फ्रिक्वेंसी जो कि 20 Hz से लेकर 20,000 Hz तक है उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। अब अल्ट्रासोनिक क्या है? अल्ट्रासोनिक कैन बी जनरेट बाय ह्यूमन प्रोसेस सच एज एक्सप्लोजन और बाय मशीनरी सच ए डीजल इंजन। जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा कि मशीनरी के जरिए या एक्सप्लोजन के जरिए अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस हो सकता है। सम ह्यूमन सिंगर कैन आल्सो प्रोड्यूस साउंड एज अल्ट्रासोनिक रेंज। जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि बहुत सारे सिंगर इस तरह होते हैं, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। साउंड है फ्रिक्वेंसी लोअर देन 20 Hz इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। वो साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 Hz से कम हो उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्स हैव फ्रिक्वेंसी अप टू 25 billion Hz। 25 billion Hz अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारे साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट, वो सिस्टम जिसके वाइब्रेटिंग सोर्स फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करे कितने, 25 billion Hz फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करे, ठीक है। अदरवाइज ये फिर हमारे साथ अल्ट्रासोनिक नहीं होगा। एंड अल्ट्रासोनिक पल्स इज जनरेट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, और ये हमारे साथ जनरेट हो रहे हैं एक खास डायरेक्शन में, ये इस चेंज वे नहीं होता बल्कि एक खास डायरेक्शन में मोशन करे, ठीक है। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ द पल्स, सो पार्ट ऑफ द पल्स और ऑल ऑफ द पल्स विल बी रिफ्लेक्ट बैक टू द ट्रांसमीटर। अब इसके सामने जो भी चीज़ आ जाए तो ये पल्स कुछ पल्स को ट्रांसमीटर तक यानी रिसीवर तक वापस भेज देता है, और वो उसके एक कंप्लीट पिक्चर आता है किस चीज़ के जरिए, एन इको एंड कैन बी रिटेक्ट थ्रू द रिसीवर पर।
इको के जरिए, इको क्या है, रिफ्लेक्शन है, और रिजल्ट हमारे साथ क्या करते हैं, रिसीवर इसे डिटेक्ट करते हैं और वहाँ पर इमेज बनाते हैं कि ये क्या चीज़ है। बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द पल्स बीइंग ट्रांसमिटेड एंड इको बीइंग रिसीव्ड, बाय मेजरिंग द डिफरेंस इसके दरमियान डिफरेंस यानी टाइम को हम मेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने टाइम में ये आ गया है यानी ये हमारे तक से कितना दूर है, डिस्टेंस को भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इको की इक्वेशन के जरिए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी यूज टू मेयर द डिस्टेंस अंडर वाटर यानी वाटर के में भी हम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को जिस तरह बुक में सुनार का एग्जाम्पल था बिल्कुल उसी तरह यानी यहाँ पर देख ले सुनार क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो है वो डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, यानी नेविगेशन इन डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं और डिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं कहाँ पर, वाटर में, ठीक है। तो ये था हमारे आज का टॉपिक, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। काइंडली जिस पॉइंट में भी मसला हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।